केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। केलांचल टाइम्स की टीम आज पहली पहुंची हुई थी मुरली पंचायत और वहां के मुखिया प्रत्याशी सकलदीप प्रसाद सिंह से बातचीत हुई इस पंचायत चुनाव को लेकर के। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कुछ चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी भी कुछ चरणों के चुनाव बाकी हैं। बहुत जल्द गांव की सरकार बनकर तैयार हो जाएगी, इसीलिए हमारी टीम आज मुरली पंचायत भी पहुंची हुई थी। उनसे क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। चुनावी बिगुल बज चुका है, कई चरण में मतदान भी हो चुका है और कई चरण का मतदान बाकी भी है। इसी तरह मैं भागलपुर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर रंगरा चौक प्रखंड में हूं मैं और वहां के मुरली पंचायत में हूं मैं। यहां के भावी प्रत्याशी सकलदेव प्रसाद सिंह, जो पहले भी दो पंचवर्षीय मुखिया रह चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं उनका पुराना कार्यकाल कैसा रहा और इस बार चुनावी दौर में है उनका उद्देश्य क्या है। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दो पंचवर्षीय मुखिया भी रहे हैं, उस टाइम में आपका कार्यकाल कैसा रहा? फर्स्ट बार का कार्यकाल देखकर समाज ने फिर से दोबारा मुखिया बनाया जी। उसी ढंग का विकास जो किए जी, उसी के आधार पर इस बार भी आम पब्लिकों का मत जो है कि हमारे पक्ष में है जी। और जैसा विकास किए हाई स्कूल आपके द्वारा, जो पिछले जब आप पंचवर्षीय में मुखिया थे, 10 वर्ष आप मुखिया रहे हैं, उस टाइम में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया होगा? पूरे पंचायत में जी एक भी सड़क नहीं था जी, गली गली से लेकर मेन रोड तक सड़क बनाया जी। हमारे लगभग कितनी सड़कें बनाई होंगी आपने? 500 सड़क बनाए हैं। 50 प्लस सड़क आपने बनाए हैं। हाँ, और विद्यालय जो है जी, एक रूम का था वो अभी 10 रूम बना दिए जी। अभी जिसमें इंटर स्तरीय विद्यालय जी चल रहा है जी। अब जो है इस बार अगर हो गए तो फर्स्ट हॉस्पिटल का हमारा ये रहेगा, निर्माण करेंगे जी। उसके बाद जो भी छोटा बड़ा है, इंदिरा आवास, विधवा पेंशन। आपके टाइम में लगभग कितना आवास दिया गया होगा? करीब 300। शौचालय कितना दिया गया होगा? शौचालय तो करीब 5-600 से बेसी गया, 1000। 1000 के आसपास शौचालय दिया गया है। और पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन? पहले है, पेंशन कुछ नहीं था जी। हमारे रीजन में 1500 करीब करवाए। आप 1500 करवाए हैं? सारा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, सब तीनों में, चारों में। कबीर अंत्येष्टि वगैरह सब? कबीर अंत्येष्टि में तो 155 कबीर अंत्येष्टि आप दिए हैं। मुखिया जी, इस बार आप मुखिया के दौर, चुनावी दौर में है, चुनाव लड़ रहे हैं, आप कौन सा ऐसा काम जो अपने मुखिया रहते हुए नहीं कर पाए, जिसका मलाल है और इस बार जीतने के बाद करेंगे? आपने बताया शिक्षा के स्तर को सुधार करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, और क्या क्या काम कर सकते हैं? अब जितना भी छोटा बड़ा ही है वो सब पूरा हो जाएगा, पूंजी होगा, पूरा हो जाएगा लगभग। काम करीब सब पहले से किया हुआ है जी। अब जितना छोटा बड़ा है, मतलब अधूरे कार्य को पूरा करेंगे, ये आप पूरा करेंगे। मुखिया जी, आपके पंचायत में युवाओं के लिए खेलकूद का मैदान नहीं है अभी। मैदान नहीं है जी, इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? उसका भी व्यवस्था किया जाएगा। उसका व्यवस्था किया जाएगा, मतलब पदाधिकारियों से बात करके यहाँ पे खेलकूद का मैदान लाया जाएगा। क्या जी, आपके पंचायत में एक समस्या और आ रही है, जल निकासी के लिए जो है ना, कहीं जमीनें नहीं, सरकारी जमीन नहीं है जो कि जल को हम लोग एकत्रित कर सके जी।
सबका अपना प्राइवेट जमीन है जी, जो कि हम लोगों का जल निकासी का कोई साधने नहीं है। तो फिर इस समस्या को कैसे हल करेंगे? तो बिना पदाधिकारी के आदेश से वो कुछ नहीं होगा। इस बार आपने बताया कि जो छोटे बड़े काम है अधूरे काम को पूरा करेंगे, क्या आपके पंचायत में जब आप मुखिया बन के आएंगे तो जनता दरबार लगेगा? जनता दरबार लगेगा। उसमें जनता दरबार लगा के आप क्या करेंगे सर? गांव का जितना भी समस्या है जी, झगड़ा झंझट हेन टेन, हम लोग यहीं पर निदान करवाएंगे। मतलब इसका थाना वगैरह में कुछ जाने का कोई चक्कर नहीं, जो पंचायत स्तर का उसको पंचायत में ही निपटाएंगे। मुखिया जी आपने बताया सड़क पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, जल निकासी पे भी आपने बताया, पेंशन पे भी आपने बताया कि जो अब जब आप मुखिया थे तो ये काम किए थे, जो इस बार छूटा बढ़ा हुआ होगा पेंशन उसको आप पूरा कर रहे हैं। लेकिन मुखिया जी एक समस्या ग्रामीण ये बताते हैं कि मुखिया बन जाने के बाद, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं या किसी प्रत्याशी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुखिया बन जाने के बाद उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। ऐसी बात नहीं है कि मुलाकात नहीं हो पाती है जी, हमारा ऐसा अगर मुखिया रहे तो हम 24 घंटा दरवाजे पर उपलब्ध रहते हैं जनता की सेवा के लिए। सेवा के लिए तो मतलब ये पंचायत की जनता जो बोलते हैं ये निराधार है, मतलब ये बात गलत है। इस बार आप जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील करना चाह रहे हैं कि वे इस बार भारी बहुमत से विजय बनावे, इसके बाद सेवा करने का मौका दे, जैसे कि पिछले 10 साल आप किए, उसी तरह फिर इस बार जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे। क्या नाम है सर आपका? सकलदीप प्रसाद सिंह। ग्राम पंचायत मुरली, प्रखंड रंगरा चौक, रंगरा चौक, भागलपुर। भागलपुर। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।